obviously बहुत कम था, 54, 52, बहुत पतली थी. और जब अमल हुई, I was 90 kgs. The day I was delivering her, I was 90 kgs. मतलब मेरी डॉक्टर कहती कि यार तुमने इतना वजन कहाँ से आया. मैंने कहा मैं इतना नहीं खाती. कहते क्यों, हवा लगती है, हवा खाती है. उन्होंने मुझे लिटरली ये बात बोली. मैंने कहा क्योंकि हमारी इतना टेंडेंसी ऐसी है, मेरा पूरा खानदान, मिनाल को भी आता है, मुझमें है कि मैं भी दो तीन दिन खाऊंगी, तीसरे दिन मैं वापस से मोटी होना शुरू हो जाऊंगी. बट मैंने जब देखा ना कि यार चाहे आप ना खाओ खाओ वजन बढ़ रहा है, मैंने कहा छोड़ो यार, गिल्ट फ्री खाओ, प्रेगनेंसी है, इसको एंजॉय करो. मैंने बहुत इंजॉय किया और वेट बढ़ गया था. फिर मैं अच्छा, मिनाल एंड मुनीब बोथ वर रियली सपोर्टिव. दोनों मुझे कहते थे कोई बात नहीं, उतर जाएगा, इट्स ओके, एंजॉय. इस तरह करके मैं वाकई 90 किलो पे पहुंच गई थी. लिटरली आई एम नॉट लाइंग, मैं 90 केजी. आई वाज लाइक यार क्या होगा, ये वजन कैसे कम होगा. लेकिन आफ्टर अमल भी बहुत ज्यादा वेट था मेरा. और मैं बस हर वक्त मुनीब को बोलती रहती थी कि यार मुनीब, मुझे तुमने ना कभी भी मोटा नहीं होने देना, मुझे टोकते रहना. But he was like, no, Iman, क्या जरूरत है, जो चीज तुमने एक साल में बढ़ाई है उसको थोड़ा टाइम भी लगेगा, कोई जरूरत नहीं है फाके करने की. लेकिन यार मुझे लगता है कि कॉम्प्लेक्स तो नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि मैं अपने आप को मिस करती हूँ कि पुरानी जैसी लगनी चाहिए अपने आप में. किसी के लिए भी नहीं, मतलब अपनी प्रेजेंस, एक इंसान की अपनी खुद की भी प्रेजेंस होती है कि वो खड़ा है, वो बैठा है तो कैसा लग रहा है, उसकी पिक्चर्स आ रही है. तो आई थिंक इसकी वजह से मैंने बहुत जल्दी अपना वेट रिड्यूस किया है और बड़ी मेहनत की है इसके लिए. और मैंने बहुत बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की अपनी और खुद की, और बहुत ज़्यादा कहवे, ब्लैक कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी मैं दिन में एक दफ़ा पीती हूँ सुबह उठ के. वो मेरी आदत है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो. अभी भी रोजे में भी, इवन इफ्तार करने के फौरन बाद मैंने मशीन खोलनी होती है और कॉफ़ी बनानी होती है, कॉफ़ी पीनी होती है. तो आई थिंक डाइट इज 90% आपकी डाइट है आपके वेट लॉस में. कुछ भी आप कर लें, 90% इज योर डाइट. अभी जाके तीसरा चौथा दिन है कि मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, वरना मैं सिर्फ ट्रेडमिल करती थी 40 मिनट्स, दैट्स इट. उसके अलावा मैं कहवा पीती थी. मेरी मम्मा ने, मतलब नहीं, आई डोंट नो, बड़े बूढ़ों की भी बातें बड़ी सुनी है मैंने, कि नानी ने मुझे हमेशा बोला कि अभी तुमने एक महीने तक थोड़ा कम मिर्चों वाला खाना खाना है, ये मोटी हो जाओगी और फैट रह जाएगा और पानी कम पीना है. इस तरह की मैंने सबकी बातें फॉलो करी, क्योंकि यार वो बड़े हैं, कुछ वो मजाक तो नहीं है, मतलब वो अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ बता रहे. तो मैंने हर किसी जो जिसने मुझे कुछ भी बताया ना, मैंने वो पॉइंट्स नोट किया और उनको अप्लाई भी किया. मतलब ज़्यादा पानी नहीं पिया, क्योंकि आपका यू नो पेट थोड़ा बेबी के बाद होता है इस तरह से, सॉरी. फिर एक कहवा है, मैं वो बहुत इफेक्टिव है, मैं ज़ाहिर है ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू शेयर इट. इट्स अजवाइन, चाय की पत्ती नॉर्मल एंड ओरिजिनल सिनेमन, दालचीनी फुल बना के. गर्मियों से मैं पी रही हूँ, आई थिंक अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक तो मैंने पिया, क्योंकि थोड़ी ठंड थी ना, तब तक तो मैंने पिया. मैंने वो फुल एक पूरा इतना बड़ा थर्मस होता था मेरा, मैं बना के सुबह ही रख लेती थी और बस मैंने वो ही पिया. वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव था वेट लॉस के लिए. और बस डाइट रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दिए, अपनी ज़िंदगी से हटा दिए, ड्रिंक्स हटा दिए और मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती. मैंने अपना अच्छा, मुझे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती थी और मैं पंजाबियों में शादी होकर आई हूँ, तो यहाँ तो फुल देसी घी के खाने चलते हैं, देसी घी और मक्खन एंड दिस एंड दैट. वाज लाइक यार नो, मैंने ये खाया ना तो मैं मोटी हो जाऊंगी. देन आई स्टार्टेड समथिंग कि मैं थोड़ा अच्छा. मुनीब भी इज वेरी डाइट कॉन्शियस, उसको भी बहुत होता है कि डाइट. तो हम दोनों मिलके ना, मुनीब मुझे ऑलिव ऑयल में, हमने कुछ ना कुछ बनाना स्टार्ट किया.